संदीप कुमार वर्मा, अभी रुकना, अभी देखिए हमने पूरा रीडिंग कॉम्प्रेंशन क्या थ्योरी पढ़ लिया, कैसे पैसेज पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन पढ़ना है, कैसे आंसर लिखना है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है रीडिंग कॉम्प्रेंशन से। फिर हमने पहले स्मॉल पैसेजेस से हमने शुरू किया और फिर उसके बाद हम लॉन्ग पैसेजेस में आए, और लॉन्ग पैसेजेस कौन सा था, वो सारे सीएपीएफ का प्रीवियस ईयर पैसेजेस जितने भी थे वो सारे हमने कवर कर लिए, वो सारे आपने लिख लिए। ओके, लास्ट 2 इयर्स का, लास्ट 2 प्रीवियस इयर्स का जो पैसेजेस था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सीएपीएफ का, उस पे मैंने मार्किंग भी की थी, यानी आपको स्कोर भी मिलना था। तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि किसी को स्कोर 8 मिल रहा है, 10 मिल रहा है, किसी को 14 मिल रहा है, किसी को 15 मिल रहा है 2022 का। फिर 2023 का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप लोगों ने सॉल्व किया, तो जिसको 10 मिल रहा है उसको 15 मिल गया, राइट? और जिसको 14 15 मिला था उसको 10 मिला है, गॉट इट? तो ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ है कि आप लोगों की जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो पैसेज मिला है उसकी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी या क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हुई होगी, ये रीजन है, ठीक है? अब आप लोगों को पता है आंसर कैसे लिखना चाहिए, मगर क्वेश्चन अगर आप नहीं समझे हो, पैसेज यदि नहीं समझे हो, तब आपको प्रॉब्लम होगी आंसर लिखने में। और एक चीज है जो मैंने आप लोगों को स्टेप बताया है, पहले क्वेश्चन पढ़ना फिर पैसेज पढ़ना। क्वेश्चन पढ़ के आप लोगों को कीवर्ड पहचान लेना है कि अच्छा इस क्वेश्चन में ये जो वर्ड है ये कॉमन है, तो ये कीवर्ड हो गया, यानी इसी कीवर्ड के बारे में पूरे पैसेज में चर्चा की जा रही है, डिस्कशन किया जा रहा है। फिर पैसेज पढ़ो तो आप देखो कि पैसेज की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, साइमल्टेनियसली क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होगी। फिर क्वेश्चन पढ़ के फिर आंसर लोकेट करो, यानी आपको 2 बार पैसेज विजिट करना पड़ेगा। गॉट माई पॉइंट? अच्छा अब बताइए कि किसी को भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम है? आवाज किसी को भी नहीं आ रही है क्या? हमारी है ओके, फिर दिमाग करके में प्रॉब्लम है। ओके फाइन। अच्छा अब आपको दिबाकर के ने इंटरनेट में ही प्रॉब्लम है। एनीवेज, तो संदीप क्या प्रॉब्लम है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में? मेरी कल के पैसेज में जो एक क्वेश्चन था मैम, व्हाई डिड द यूरोपियन आर्किटेक्चर डोमिनेट द स्काईलाइन ऑफ बॉम्बे इन द मिड 19th सेंचुरी, तो मैं इस क्वेश्चन को मैम समझ नहीं आया था कल, तो शायद वो मेरा गलत हो गया था। आपने तो बहुत अलग कुछ लिखा था, मुझे ध्यान आ रहा, मैंने थोड़ा क्रॉस कर दिया था, वो हम बाद में बात करेंगे, वो आपका आंसर ही गलत था। अच्छा हाँ आपने लिखा था कि ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स का है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। मैम, वो रेलवे लाइन शिपिंग बन रही है, वो कुछ ऐसा लिखा था। हाँ, नहीं, दैट इज टोटली रॉन्ग। ठीक है, वो आप वापस एक बार पैसेज पढ़ो, जरूर समझ में आएगा तुम्हें। ओके यस हाँ मैम, ठीक है, अब यस हम मैम, प्रेस ही शुरू करें क्या फिर स्टूडेंट्स? चलिए यस प्रेस मैम। करते हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ये चेकमेट राइटिंग सेक्शन की बुक है और उसका ये चैप्टर 7 है। जिसको भी ये बुक खरीदना है capprashmi.com में जाकर ये बुक खरीद सकते हैं। प्रेसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की थ्योरी, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन विद आंसर, अपार्ट फ्रॉम दीज आपको सेवरल पैसेजेस मिलेंगे फॉर प्रैक्टिस। ओके चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये प्रेसी राइटिंग है, आपको पता है आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्यों दिया जाता है? हर एक एग्जामिनेशन में आप देखोगे जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होता है उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है। क्यों दिया जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? क्योंकि ना आप लोगों की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जरिए मैच्योरिटी टेस्ट करते हैं कि क्या आप में मैच्योरिटी इतनी है कि जो पूछा जाए आप उसी का जवाब दो, इधर उधर की बातें ना करो, राइट? और कितना आप अपने आप को बांध सकते हो, बांधने का मतलब क्या है, डी लिमिट कर सकते हो। जैसे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज दिया गया, ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन दिया गया और फिर आपको आंसर लिखना। तो जब मैं बोल रही हूँ कितना आप अपने आप को बांध सकते हो, कितना आप अपने आप को डी लिमिट कर सकते हो, इसका मतलब ये है कि
कि जो क्वेश्चन का आंसर है ना, वो आपको पैसेज से ही निकाल के देना है। आप अपनी मर्जी से, अपने ओपिनियन, अपने प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग नहीं लिख सकते। पहली चीज, इसको कहते हैं बांध। ओके, हमारे पास बहुत नॉलेज है, वास्ट एरियाज ऑफ डोमेन है, उसमें हर एक डोमेन में आपको बहुत नॉलेज होगा, मगर नहीं, आपको दिया गया पैसेज उस सीमा के अंदर रह के ही आपको आंसर करना। अगर आप उस सीमा से बाहर निकल के आंसर करते हो, इसका मतलब आपने मैच्योरिटी नहीं है, आपने स्किल नहीं है उस पैसेज का आंसर करने की। दूसरी चीज मैंने क्या बोला, क्या आपका टेस्ट करते हैं कि जो पूछा जा रहा है क्या आप उसी का जवाब दे रहे हो कि एक्स्ट्रा भी बोल रहे हो। मैंने आप लोगों को आपके ग्रुप में एक वीडियो भेजा था, एक छोटे बच्चे का, स्टीव हार्वी ने इंटरव्यू लिया था, उस बच्चे से पूछा था कि जब से आप मेयर बने तब से क्या अच्छा हुआ है ना? तो उसने बोला माई ब्रदर हैज बिकम मेयर ट्वाइस। तो क्या पूछा जा रहा है, आप क्या आंसर कर रहे हो? नहीं, आपको एक्स्ट्रा नहीं, वो तो बच्चे लोग करते तो अच्छा लगता है, क्यूट लगता है, मगर आपकी एज वाले लोग करेंगे तो वो क्यूट नहीं लगेगा। तो जो पूछा जा रहा है एग्जैक्टली वो ही आंसर करो। गॉट इट? जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपसे पूछते हैं कि कितने जवान सपोज नक्सलाइट एरिया में गए, तो कितने जवान गए, आप बोलोगे, आप बता रहे हो कितने जवान गए, मगर आप ये भी बोलोगे हम सुबह 6:30 बजे निकल गए, हम इतने है ना, जो भी आपके पास वेपन्स है इतने वेपन्स के साथ गए। जो पूछा था आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, जो क्वेश्चन पूछा है ना वो इंटरेस्टेड है सिर्फ कितने जवान है, मगर आप एक्स्ट्रा बोल रहे हो तो आप उसका टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपने सीनियर का टाइम वेस्ट कर रहे हो और आपको कोई हक नहीं। वैसे ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन में, अगर आप जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे आप एक्स्ट्रा लिखते हो तो आप एग्जामिनर का टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो उसका कोई हक नहीं बनता आपको एग्जामिनर का टाइम वेस्ट करने का, राइट? अच्छा, अब ये जो प्रिंसिपल है, ये दो प्रिंसिपल मैंने आपको बताया कि अपने सीमा में रहकर आपको पैसेज दिया है, उस पैसेज वो आपको सीमा रेखा दे दिया गया है, जो पैसेज आप पैसेज के बाहर नहीं बात कर सकते, तो ये प्रिंसिपल आपको प्रेसी में अप्लाई करनी। प्रेसी लिख रहे हो आप, तो ऑब्वियसली आपको एक पैसेज दिया गया है, उस पैसेज को ही आपको छोटा करके आपको लिखना है, आप पैसेज के बाहर नहीं जा सकते हो। यानी सेम प्रिंसिपल जो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अप्लाई कर रहे थे, आप प्रेसिंग में अप्लाई करते हो, ठीक है? तो प्रेसिंग क्यों दिया जाता है? आप देखो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसी चीज है जो आपको हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में दिया जाता है, और आपको प्रेसी राइटिंग भी दी जाती है हर एक एग्जाम में। क्यों दी जाती है, इसका रीजन क्या है? देखिए, आप असिस्टेंट कमांडेंट बनते हो, आपके बहुत जिम्मेदारियां होंगी, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, और आपको किसको रिपोर्ट करना होता है, आपको अपने कमांडेंट को रिपोर्ट करना होता है। आपका कमांडेंट जो है वो सीनियर है आपसे, राइट? तो आपको अपने सीनियर को रिपोर्ट करना होता है, और आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, जब आप अपने सीनियर को रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें से रिपोर्टिंग में एक चीज और आती है कि आपको जो भी सिचुएशन है किसी भी रीजन का, उसका आपको रिटर्न रिपोर्ट देना होता है अपने कमांडेंट को, राइट? ये एक जिम्मेदारी आपकी होती है, तो रिटर्न रिपोर्ट देना होता है। तो आप खुद रिटर्न रिपोर्ट नहीं बनाते हो, आपके जो जूनियर है ना वो पूरा सिचुएशन का ब्यौरा एकदम डिटेल में आपको देंगे, और बहुत मोटी फाइल तैयार करके आपको देंगे। अब आप क्या करोगे, आप उस मोटी फाइल को पूरा पढ़ोगे, और आपको लगेगा नहीं, इस इतनी मोटी फाइल ऑब्वियसली आपका सीनियर नहीं पढ़ेगा, ओके? वो आप पढ़ रहे हो, अब इतनी मोटी फाइल को आपको उसका क्रक्स आपको अपने सीनियर को देना है, तो आप उस मोटी फाइल को पूरा पढ़ोगे, पेज बाय पेज पढ़ोगे, और उस मोटी फाइल में जो भी कंटेंट है उसका एसेंस निकालोगे। एसेंस का मतलब उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालोगे और उस मोटी फाइल का एकदम छोटी फाइल बना के अपने सीनियर को दोगे, राइट? इसको कहते हैं प्रेसी। अब जिसने आपकी प्रेसी पढ़ ली, यानी आपने जो छोटी फाइल पढ़ ली ना, तो वो छोटी फाइल पढ़ने से ही हमें पूरा अंदाजा हो जाएगा उस मोटी फाइल में क्या है। इसका मतलब ये है, जो आपको एग्जाम में पैसेज मिलते हैं, अगर आपने उसकी ढंग से प्रेसी तैयार कर ली, तो प्रेसी पढ़ के ही हम बता देंगे पूरे पैसेज में क्या है।
आपको इसका मतलब पैसेज, जो ओरिजिनल पैसेज है उसका एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट को अपने प्रेसी में इंक्लूड करना, बाकी जो इररिलेवेंट चीज है उसको अपने प्रेसी से एक्सक्लूड कर देना है. गॉट माय पॉइंट? तो इसीलिए प्रेसी राइटिंग दी जाती है, क्योंकि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप किस तरह से स्किलफुली आप मिनिमाइज कर सकते हो. ओके, पूरे ओरिजिनल पैसेज को, ओरिजिनल रिपोर्ट को आप कैसे मिनिमाइज कर दोगे ताकि उस ओरिजिनल रिपोर्ट का एसेंस बरकरार रहे आपके जो छोटी रिपोर्ट है. ठीक है, तो आप चलिए, अब हम प्रेसी राइटिंग, आपको मेरे ख्याल से पूरा समझ में आ गया होगा. एक मैंने ओवरव्यू दिया है प्रेसी राइटिंग का, क्यों दिया जाता है आपको ये मैंने बताया. तो अब हम शुरू करते हैं. तो CAPF में जो प्रेसी आती है, इसमें प्रेसी टू बी अटेम्प्टेड 2 लिखा है, गलती से लिख दिया गया है, 1 होगा इसमें. ठीक है, नो चॉइस, कोई चॉइस नहीं होता है. मैक्सिमम मार्क्स 15 होता है और एक ही प्रेसी होती है, यहाँ गलती से 2 है. मीडियम ऑफ राइटिंग इंग्लिश होगा. देखिए, आपको 6 सेक्शंस होते हैं CAPF में, तो ऐसे आपको इंग्लिश में ही सॉरी, ऐसे इंग्लिश या हिंदी दोनों में लिख सकते हो, बाकी सारा आपको इंग्लिश में ही लिखना है. वर्ड लिमिट क्या है प्रेसी का? 1/3. आप 1/3 में आपको लिखना होगा प्रेसी. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आपको दे दिए जाएंगे, मैं आप लोग से शेयर कर लेती हूँ एक बार. देखिए, जितना भी आपको है ना प्रेसी मिलता है CAPF में, आप हमेशा देखना कि आपको टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दिए जाएंगे. ये प्रेसी है, ये है 2013 की प्रेसी है. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, आपको इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हमेशा लास्ट में लिखे रहेंगे, हमेशा. तो इस टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स का आपको 1/3 करना, यानी 450 का 1/3 आपको लिखना है. तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? 1/3, यानी 450 बाय आपको 3 करना है. आप 450 बाय 3 करोगे तो कितना आएगा? 150 आएगा. तो आपको 150 वर्ड्स में लिखना है. फाइन. अब इसमें अगर आप इंस्ट्रक्शन भी पढ़ोगे तो इसमें लिखा है, अटेम्प्ट अ प्रेसी ऑफ द गिवन पैसेज ऑफ 450 वर्ड्स इन 1/3 ऑफ इट्स लेंथ. फाइन. तो यूजुअली प्रेसी जो है 1/3 में ही लिखना होता है, मगर हमें इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है. मतलब अगर इंस्ट्रक्शन में 1/3 नहीं लिखा है, अगर खुद ही वो लोग ने अपने वर्ड्स लिखे हैं, तो उस वर्ड्स में लिखना है. अब सपोज आपको 150 में लिखना है, तो इसका ये मतलब नहीं है एग्जैक्ट आप 150 में लिखोगे. सपोज 1/3 150 हो रहा है, तो ऐसा नहीं एग्जैक्ट 130, 150. आप इसको रेंज रख लो कि मुझे 140 और 160 के रेंज में लिखना है. अगर 10 वर्ड्स ऊपर 10 वर्ड नीचे हो गए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें. चलिए आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन देखते हैं प्रेसी का. प्रेसी एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्रीफ या प्रिसाइज. ओके, इट इज अ शॉर्ट समरी ऑफ अ रिटन वर्क सच एन आर्टिकल, बुक और टेक्स्ट. बट राइटिंग प्रेसी इज मोर देन जस्ट मेकिंग एन आर्टिकल शॉर्ट. देखिए, प्रेसी का मतलब समरी होता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको समरी ही लिखना है, कि बस कैसे वैसे शॉर्ट कर दो. नहीं, आप जब शॉर्ट कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, उसका कोर एसेंस पकड़ के आपको शॉर्ट करना है, ताकि ऑथर का ओरिजिनल जो आपका प्रेसी है उसमें ऑथर का ओरिजिनल टोन, ओरिजिनल मूड बरकरार रहे. उस चीज को आपको नहीं हटाना है, यानी जो आपका पैसेज का जो जिस्ट है, जो एसेंस है, जो निचोड़ है, वो आपका प्रेसी में दिखना चाहिए. ओके, अच्छा, यानी एसेंशियल आइडियाज है जो ओरिजिनल पैसेज की, वो बरकरार रहनी चाहिए आपकी प्रेसी में. अब एसेंशियल फीचर्स ऑफ एन इफेक्टिव प्रेसी. अब स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज है, जब भी आप प्रेसी लिखते हो तो कैसे पता लगेगा कि प्रेसी की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं? तो सबसे पहली चीज है उस प्रेसी का कोर एसेंस, यानी ओरिजिनल पैसेज में जो ओरिजिनल पैसेज का जो निचोड़ है वो प्रेसी में आना चाहिए. ठीक है, अगर कोई रीडर है जिसने ओरिजिनल पैसेज नहीं भी पढ़ा है, मगर जैसे ही आपकी प्रेसी पढ़ेगा ना, उसको समझ में आ जाएगा ओरिजिनल पैसेज में क्या लिखा है. ओके, फिर राइटर का ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है.
मैंने पहले ही कहा है कि आपको पैसे जब भी दिया रहता है तो आपको एक सीमा रेखा में बांध दिया जाता है। आप इस सीमा रेखा के बाहर नहीं जा सकते हो, आप अपने से कुछ इंटरप्रेट नहीं कर सकते हो, अपने आप बायस जो भी है प्रेजुडिस है वो आप इंक्लूड नहीं कर सकते हो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग कुछ नहीं चलोगे, अपना पर्सनल ओपिनियन, अपना विश, अपना रिमार्क, अपना क्रिटिसिज्म, अपना सजेशन सब कुछ अपने पास रखना है। आपको राइटर का ओपिनियन देखना है, राइटर का मूड देखना है, राइटर का टोन देखना है, वो ही अपने प्रेसी में इंक्लूड करना है, तभी आपकी प्रेसी एक अच्छी प्रेसी मानी जाएगी। एक और चीज है एक्यूरेट डिटेल। आप जो भी पैसेज में पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन दिए हैं, चाहे आप उस पर बिलीव कर रहे हो चाहे आप उस पर बिलीव नहीं कर रहे हो, मगर आपको उसी को करेक्ट मानना है, उसी को रिलायबल मानना है। यानी जब आप असिस्टेंट कमांडेंट बन जाओगे, आपको जो रिपोर्ट दिया जाएगा, ओके, तो सब कुछ रिसर्च करके ही आपके जूनियर आपको रिपोर्ट देंगे, फाइन, आप उसी रिपोर्ट को आपको अपने कमांडेंट को देना है, तो उसका एसेंस निकालना है, रिपोर्ट में जो दिया है आप उस डिटेल्स को आप डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते हो, आप उसको चेंज या मॉडिफाई या एडिट नहीं कर सकते हो, इसमें भी नहीं करोगे, ठीक है? तो कभी प्रेसी नेवर कंटेन एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन, कोई एडिशनल डिटेल नहीं होगी जो कि ओरिजिनल टेस्ट में मेंशन नहीं है, ये चीज ध्यान रखना, बार बार कह रही हूँ। आपको एक सीमा रेखा में बांध दिया जाता है, जब भी आपको पैसेज मिलता है आपको उसी सीमा रेखा के अंदर रहकर ही आपको अपने आंसर लिखना। कंसाइजनेस, कंसाइजनेस का मतलब क्या होता है? प्रेसी डजंट हैव रेपिटेटिव पॉइंट। अगर आप पैसेज, ओरिजिनल पैसेज अगर आप पढ़ोगे स्टूडेंट्स, तो आपको ना बहुत रेपिटेशन मिलेगा, सही मायने में बहुत रेपिटेशन मिलने वाले हैं। जैसे मैं आपको एक पैसेज दिखा रही हूँ, शायद 2000, लेट मी चेक, जो एक फूल वाला पैसेज है उसमें मैं आपको रेपिटेशन दिखाऊंगी कि कितना रिपीट हो रहा है, एक ही चीज को बार बार राइटर ने रिपीट किया है। ये 2016 का प्रेसी है, मैं शेयर कर रही हूँ, हाँ ठीक है। अब देखिए ये जो पैसेज है, अब ये पैसेज है ना स्कूल के बारे में है, देखो क्या लिखा है, स्कूल फेल टू लर्न फ्रॉम अदर्स लिखा हुआ है, ठीक है? अब इसी चीज को देखना, फेल टू लर्न फ्रॉम अदर्स इसका मतलब उनके पास इंटेलिजेंस नहीं है, ठीक है? बात एक ही है। अब फिर देखो एनिमीज ऑफ थिंकिंग, अगर बोल रहे हैं कि दे हैव यूज नीदर फॉर देयर ओन इंटेलिजेंस, अपना इंटेलिजेंस यूज नहीं करते हैं, अपना दूसरों से सीखते नहीं है, अपना इंटेलिजेंस यूज नहीं करते हैं, वो एनिमीज ऑफ थिंकिंग है, बात तो एक ही है। फिर लिखा है दे नेवर डाउट द इंटेलिजेंस, ये भी बात एक ही है, ठीक है? अब देखना एक ही बात को कि उन लोग बेवकूफ है, उन लोगों के पास इंटेलिजेंस नहीं है, इसी चीज को बार बार कितनी बार रिपीट किया जा रहा है। आगे देखना और है, दे लैक एन इनेट सेंस ऑफ डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन मतलब डिसीजन नहीं ले पाते क्योंकि इंटेलिजेंट नहीं है, ये भी वही चीज है। तो एक ही चीज को बार बार स्टूडेंट्स रिपीट किया जा रहा है, तो आपको मगर रिपीट नहीं करना है। ओरिजिनल पैसेज में रिपीटेड है, कोई कोई पॉइंट्स आपको रेपिटेटिव लगेगा, मगर आपको रिपीट नहीं करना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कंसाइजनेस का मतलब क्या होता है? कंसाइजनेस का मतलब होता है कि ओरिजिनल पैसेज में आप देखोगे कि पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं, मगर आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं प्रेसी में भी रिपीट करूं, आप प्रेसी में एक ही बार बता दो कि दे लैक इंटेलिजेंस, दे आर नॉट इंटेलिजेंट, सिंपल, उसको बार बार आप रिपीट मत करो। क्या करते हैं राइटर, पैसेज
पैराफ्रेजिंग रीफ्रेजिंग कर करके अलग अलग तरीके से एक ही चीज बता रहे हैं, मगर आपके पास इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि हाँ ओरिजिनल पैसेज में ये एक ही चीज को बार बार डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बता रहे हैं, तो मुझे अपने पैसे में इंक्लूड नहीं करना चाहिए. गॉट माई पॉइंट? द राइटर इन द ओरिजिनल पैसेज मे रिपीट द सेम फैक्ट्स और आइडिया बाय पैराफ्रेजिंग देम. डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक ही चीज को बताए जा रहे हैं, मगर आप मत रिपीट करना. जस्ट राइट इन वन लाइन वॉट द राइटर वॉन्ट्स टू एम्फसाइज बाय रेपिटेशन. आप तो एक ही लाइन में लिखो जो रेपिटेशन से ऑथर बताना चाह रहा है. कंसाइजनेस इज ऑल्सो एविडेंट इन योर प्रेसी इफ इट डज नॉट इंक्लूड अननेसेसरी डिटेल्स. अननेसेसरी डिटेल्स क्या होता है? अब मैं वापस से पैसेज में जाती हूँ. चलिए उसी पैसेज में जाते हैं. ये पैसेज में नहीं जाके एक और पैसेज में जा रही हूँ मैं. उसमें आप लोगों को बताना है कि कौन सा, आपको थोड़ा टाइम लगेगा उसको पढ़ने में, मगर आपको बताना है कि इसमें कौन सा अननेसेसरी डिटेल है. ठीक है, एक सेकेंड. थोड़ा टाइम लगेगा सुनिए. ये पैसेज है, ये है 2013 का पैसेज है. ठीक है, चलिए ये पैसेज आपको पढ़ने में टाइम लगेगा, मैं आप लोगों को बताती हूँ इस पैसेज को. मैंने पढ़ा हुआ है. अब देखिए ये जो पैसेज है, मैं आपको समझाना चाहती हूँ अननेसेसरी डिटेल्स क्या होता है. एक इस पैसेज में समझाऊंगी, एक और जो फूल वाला पैसेज है उसमें भी समझाऊंगी. ठीक है, देखिए अगर मैं बोल रही हूँ प्रेसी में कंसाइजनेस होना चाहिए, तो प्रेसी कोई कंसाइज कैसे होता है? अगर उसमें आप रेपिटेशन नहीं कर रहे हो तो कंसाइज होता है, और उसमें अगर आप अननेसेसरी डिटेल्स नहीं डाल रहे हो तब भी कंसाइज होता है. अब देखिए ये पैसेज 2013 का है, सीएपीएफ का. अब इसमें ये जो बात हो रही है, सबसे पहले आपको कैसे पता चलेगा कि ये नेसेसरी डिटेल्स है या अननेसेसरी डिटेल्स है? इसके लिए आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, आपको पैसेज को पूरा पढ़ना होगा. फाइन, अब एक काम करिए, आपके आप पैसेज नहीं पढ़ोगे तो मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी, आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा. सबसे पहले सभी कोई ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, सभी कोई इसको सिर्फ पढ़े. ठीक है, मैं आपको वक्त दे रही हूँ, आप लोग इसको पढ़िए, मैं तब तक पॉज करती हूँ. ठीक है, अब जब सबने पढ़ लिया है, अब मेरा ये क्वेश्चन है आप लोगों से कि इसमें ऐसा कौन सा कीवर्ड है जो आपको लग रहा है रिपीट हो रहा है. ठीक है, जिससे मैं पूछूंगी वही जवाब देंगे. अच्छा मेघा बताइए, इसमें कौन सा ऐसा कीवर्ड है? कीवर्ड में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप बोलोगे मैम इज भी रिपीट हो रहा है, अ भी रिपीट हो रहा है. नहीं, मैं कीवर्ड बोल रही हूँ. ठीक है, ऐसा कौन सा कीवर्ड है मेघा जो रिपीट हो रहा है इसमें? मैम रीजनल लैंग्वेजेस अच्छा, रीजनल लैंग्वेज रिपीट हो रहा है. इसके अलावा किसी और को लग रहा है? प्रणव बताइए कौन सा वर्ड कीवर्ड रिपीट हो रहा है? कौन सा ऐसा कीवर्ड है जो बार बार आ रहा है? मुझे तो रीजनल लैंग्वेज ही दिख रहा है बस. हाँ ठीक है, रीजनल लैंग्वेज दिख रहा है ना, तो यस देखिए मैम. अब देखिए मैं इसमें आप पढ़ती हूँ. इंडियन लिटरेचर हैज अ लॉन्ग ट्रेडिशन एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ इट्स कल्चर थ्रू द फैक्ट इज ऑफन ओवर लिटरेचर. देखिए लिटरेचर रिपीट हो रहा है कहाँ? नहीं, इसमें मैं वो नहीं कर सकती, अंडरलाइन नहीं हो रहा है इसमें. देखिए इससे हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. एनीवेज ठीक है. मैम ट्रेडिशन भी हो रहा है मैम. हाँ अब देखिए इंडियन लिटरेचर रिपीट, इंडियन लिटरेचर लिटरेचर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए. दो बार लिटरेचर आया है. ठीक है, दो बार लिटरेचर आया है, बस खत्म हो गया लिटरेचर. अब रीजनल लैंग्वेज देखते हैं. रीजनल लैंग्वेज का मतलब लोकल लैंग्वेज, इतना तो हमें कॉमन सेंस होना चाहिए. ठीक है, अब लोकल लैंग्वेज देखते हैं. ये रहा रीजनल लैंग्वेज, एक आया, दो बार आया लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, बात एक ही है. रीजनल लैंग्वेज देखिए तीन बार आ गया रीजनल लैंग्वेज.
ठीक है, 3 बार आ गया। अब रही बात ट्रेडिशन रिपीट हो रहा है, तो ट्रेडिशन में देखिए एक ट्रेडिशन एक बार आया। अब आगे देखें, 2 बार आया, 2 ही बार आया, मगर रीजनल लैंग्वेज 3 बार आया है। ओके, तो मैं क्या आपको बताना चाह रही हूँ स्टूडेंट, अब आपने फर्स्ट जो पैसेज है, फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज से आपको पता चल गया कि रीजनल लैंग्वेज बहुत रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब हम आगे अगर हम देखेंगे, आगे आप देखिए रीजनल लैंग्वेज देखते हैं, आगे आप देखो हिंदी आ रहा है, हिंदी हिंदी, ठीक है, कहीं पर भी आपको रीजनल लैंग्वेज दिखे तो मुझे बताना। अभी 3 बार रीजनल लैंग्वेज आ चुका है, और ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं तो ट्रेडिशन अब देखिए सब गायब हो गया ट्रेडिशन। और अगर लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर अभी 1 बार यहाँ पर दिखा है, तो 3 बार लिटरेचर, 3 बार रीजनल लैंग्वेज। ओके, अब मुझे बताइए कब कहाँ लिटरेचर आ रहा है, कहाँ रीजनल लैंग्वेज आ रहा है, कहाँ ट्रेडिशन आ रहा है। देखिए एक बार फिर से लैंग्वेज आ गया, और हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की बात हो रही है। ट्रेडिशन 1 बार आया, ये रहा, ठीक है। अब देखिए, अब आगे पढ़िए, रीजनल लैंग्वेज, रीजनल लिटरेचर, देखिए आया ना रीजनल लैंग्वेज। फिर देखिए लिटरेचर इन सेवरल लैंग्वेज आया। अब आगे देखिए हिंदी लिटरेचर, आपको समझ में आ रहा है, हिंदी आया है, रीजनल लैंग्वेज आया है, सेवरल लैंग्वेजेस आ रहा है, रीजनल लिटरेचर आ रहा है, फिर लैंग्वेजेस मैथिली, डोगरी, राजस्थानी, इंग्लिश, फिर देखिए रीजनल लिटरेचर, लिंग्विस्टिक, इंडियन लैंग्वेजेस। अब मुझे बताइए ये पैसेज का टॉपिक क्या है। लिटरेचर आया, इंडियन लिटरेचर, लैंग्वेज या ट्रेडिशन, ये तीनों में मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, लिटरेचर, लैंग्वेज या ट्रेडिशन, क्या टॉपिक है पूरे पैसेज का। बोलिए कोई भी, अभिषेक मैम बताइए लैंग्वेज लैंग्वेज, और किसी को अगर ट्रेडिशन लग रहा है क्या। देखिए इस पूरे पैसेज का जो टॉपिक है ना वो है लैंग्वेज, आपको समझ में आया। देखिए जब हम पूरा पैसेज पढ़ते हैं ना, तो पैसेज में बहुत सारे पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, हमारा दिमाग कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है कि सारे इंफॉर्मेशन को हम पूरा एब्जॉर्ब कर ले, एसिमिलेट कर ले, एनालाइज, सिंथेसाइज, सब कुछ एक बार में करके पूरा फिर से लिख दे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी अपनी लिमिटेशन है। तो जब हम फर्स्ट टाइम किसी भी पैसेज को पढ़ते हैं, हम कोई न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम जब पढ़ते हैं तो आप कोई एक चीज देखिए, कोई एक चीज पिन पॉइंट करिए, क्या इसके बारे में बात हो रही है क्या। तो प्रेसिंग लिखने के पहले जब आप पैसेज पढ़ते हो तो आप देखिए कि क्या ऐसा शब्द है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपको पता चलेगा अच्छा ये रीजनल लैंग्वेज रिपीट हो रहा है, या ये पूरा पैसेज लैंग्वेज के बारे में, इसीलिए कभी इंग्लिश आ रहा है, कभी हिंदी आ रहा है, और कभी तो बहुत सारे लैंग्वेजेस आ गए, रीजनल लैंग्वेजेस। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना। अच्छा, अब मैं आपको ये बोल रही थी कि कंसाइजनेस कैसे होगा अगर हम रेपिटेशन नहीं करें अपने प्रेसिंग में, और दूसरी चीज है हम अननेसेसरी डिटेल्स को अपने प्रेसिंग में इंक्लूड ना करें। तो जब आप ये पैसेज पढ़ोगे तो आपको ना फर्स्ट पैराग्राफ में पता चलेगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो रीजनल लैंग्वेज पर ज्यादा स्ट्रेस कर रहे थे, उनका अपना एक अल्टीरियर मोटिव था कि हमें इनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना है, इसीलिए हमें उनसे रीजनल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना होगा। तो जब रीजनल लैंग्वेज में हम कम्युनिकेट करेंगे तो ऑब्वियसली हमें रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए, तो ब्रिटिशर्स लोग
रीजनल लैंग्वेज पढ़ना शुरू कर दिए, उसका ग्रामर पढ़ना शुरू कर दिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये पूरा जो पैराग्राफ है ना, इसमें फिर कांग्रेस के बारे में बताया गया कि कांग्रेस पार्टी को भी लगा कि अगर वो लोग इंग्लिश में बोलेंगे और रीजनल लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे तो वो तो अपने ही लोगों को अपने से अलग कर देंगे, दूर कर देंगे। तो कांग्रेस को भी लगा कि नहीं, हमें रीजनल लैंग्वेज में ही बात करनी चाहिए अपने लोगों से, राइट। तो ये पूरा पैराग्राफ इसके बारे में। मगर फिर आप ये पैराग्राफ देखो, देखो इसमें टोटल 3 पैराग्राफ है, फाइन। अब ये वाला जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ, इसमें आप देखोगे कि सिर्फ रीजनल लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है, रीजनल लिटरेचर, ठीक है, ड्रेविडियन लैंग्वेज, फाइन। फिर आप देखना ज्ञानपीठ, ये ड्रेविडियन लैंग्वेज में इसको ना ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। कन्नड़ रीजनल लैंग्वेज है ना, कन्नड़ भी, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे रीजनल लिटरेचर, मराठ, मैथिली, डोगरी, राजस्थानी। फिर यहाँ पर लिंग्विस्टिक, ये लैंग्वेज वाला आया। तो आपको पता चलेगा कि पूरा जो ये है ना पैराग्राफ, ये सारा रीजनल लैंग्वेज पे है, रीजनल लिटरेचर पे है। फिर ये बीच वाला जो पैराग्राफ है स्टूडेंट्स, ये पूरा पैराग्राफ आपको सिर्फ हिंदी दिखेगा, हिंदी, हिंदी, हिंदू, हिंदू, हिंदी, देखो कितना हिंदी, हिंदी, हर जगह आपको हिंदी हिंदी दिखेगा, राइट। तो इसमें टोटल 3 पैराग्राफ है, 2 पैराग्राफ रीजनल लैंग्वेज के बारे में बता रहा है और एक ही पैराग्राफ है जो हिंदी के बारे में बता रहा है। इसका साफ मतलब है कि ये पूरा पैसेज बेसिकली रीजनल लिटरेचर इन रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में है। अब बीच में कहीं पे हिंदी आ गया, जिसको महात्मा गांधी ने एडवोकेट किया था, प्रमोट किया था हिंदी को और ऑफिशियल पुश किया था ताकि ये ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी खोला गया था। मगर फिर देखिए क्या लिखा है, देखिए ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। द ग्रोइंग डोमिनेशन ऑफ हिंदी हैज हाउएवर नॉट एक्लिप्स, एक्लिप्स का मतलब क्या होता है, छुपाना, ठीक है, मगर हिंदी का डोमिनेशन होने के बावजूद भी रीजनल लिटरेचर को हिंदी दबा नहीं पाया। यानी हिंदी कितना भी प्रमोट कर लिया गया, मगर जो रीजनल लिटरेचर था ना, वो लोग अपने आप और प्रमोट होते गए। हिंदी की वजह से रीजनल लिटरेचर कहीं पीछे नहीं रह गया, गॉट इट। तो ये जो हिंदी, ये पैराग्राफ जो हिंदी के बारे में इतना बात कर रहा है ना, ये अननेसेसरी डिटेल नहीं है। मगर आप इसको इतना डिटेल में अपने पैसे में नहीं लिखोगे, आप सिर्फ इतना लिख सकते हो कि हिंदी को बहुत प्रमोट किया गया 20th सेंचुरी में, या 1916 में आप बता सकते हो, 1940s में भी, आफ्टर इंडिपेंडेंस भी हिंदी को सपोर्ट मिला था, आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट सपोर्टेड हिंदी, ठीक है, विच इवेंचुअली बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द नेशन एंड मास मीडिया प्रमोटेड अ वेरी संस्कृताइज फॉर्म। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मगर हिंदी को बहुत प्रमोशन मिला बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, येट इट वॉज नॉट एबल टू डोमिनेट द ग्रोथ ऑफ रीजनल लिटरेचर। ये यानी ये जो डिटेल्स है ना, अगर आपने अपने प्रेसी में इस सेकेंड पैराग्राफ को या मिडिल पैराग्राफ को बहुत डिटेल में अगर दे दिया आपने, तो इसका मतलब आपने अननेसेसरी डिटेल्स इंक्लूड किया है। क्योंकि सिंपल सी चीज है, जब ये पैसेज ही पूरा रीजनल लिटरेचर्स के बारे में है, तो आप हिंदी के बारे में कैसे बहुत सारी बातें कर सकते हो, गॉट इट। हिंदी रीजनल लैंग्वेज नहीं है, आप लोगों को भी पता है, रीजनल लैंग्वेज होता तो आप पूरे नॉर्थ इंडिया में तो हिंदी बोली ही जा रही है, तो ये रीजनल लैंग्वेज है नहीं। तो ये पूरा सबसे पहले आपको अगर पहचानना है कि पैसेज में कौन सा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या कौन सा पैराग्राफ अननेसेसरी है या मार्जिनली कनेक्टेड टू द पैसेज है, मार्जिनली एकदम हल्का सा कनेक्टेड टू द पैसेज है या थोड़ा सा रेलिवेंट है, एकदम तो मामूली सा रेलिवेंट है, तो आपको इसके पहले सबसे पहले टॉपिक ऑफ द पैसेज पहचानना होगा। अगर आप टॉपिक ऑफ द पैसेज पहचान लिए, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये तो बहुत अननेसेसरी डिटेल है हिंदी का, बहुत नहीं मगर हल्का सा अननेसेसरी, जिसको मैं 2 लाइन में कवर कर सकता हूँ। 2 लाइन में कवर करके मुझे पूरे प्रेसी में सिर्फ रीजनल लिटरेचर के बारे में बताना, लैंग्वेजेस इन लिटरेचर, रीजनल लैंग्वेजेस इन लिटरेचर, तो मुझे पूरा पूरा प्रेसी मेरे को इसी के बारे में बात करना है। और हल्का सा मुझे हिंदी के बारे में इतना ही बताना है कि भाई हिंदी को प्रमोट किया गया था, मगर उससे कोई फायदा, उससे कोई नुकसान नहीं हुआ,
लिटरेचर इन रीजनल लैंग्वेजेस को कोई नुकसान नहीं होगा, बस इतना। गॉट माई पॉइंट? तो अननेसेसरी डिटेल बताने का तरीका यही है। अब हम मैं आपको एक और शेयर करती हूँ कंसाइजनेस समझाने के लिए, कि किसको कहते हैं कंसाइजनेस, किसको कहते हैं अननेसेसरी डिटेल। एक पैसेज मैं और लूंगी, आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा टेडियस है मगर बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये हम आ गए इसमें, ये वाला पैसेज है 2017 का। अब आप इसको अच्छे से पढ़िए, इस पैसेज को, इस पैराग्राफ को देखिए। इसमें भी टोटल आप देखोगे वन पैराग्राफ, टू पैराग्राफ, थ्री पैराग्राफ, फोर पैराग्राफ है। आपके पास अगर कोई, किसी के पास प्रीवियस ईयर है तो उसको उठा के पढ़ सकते हैं, वरना स्क्रीन में आप पढ़िए। मैं तब तक पॉज कर देती हूँ, पहले पैराग्राफ ये वाला पढ़िए, फिर मैं दूसरा पैराग्राफ आपको स्क्रीन में दिखाऊंगी। अब ये जो पैसेज है ये 2017 का है। इस पैसेज में टोटल अगर आप देखोगे, ये वन पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, चार पैराग्राफ है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे तरुण बताएंगे, यदि है तो तरुण मुझे बताएंगे कि ये पैसेज में कौन सा ऐसा कीवर्ड है जो बार बार रिपीट हो रहा है। सैटेलाइट, मैम सैटेलाइट वेरी नाइस, ओके, म्यूट कर लेना। अब उदय आप मुझे बताइए कि सैटेलाइट के बारे में क्या बातें की जा रही है, मुझे एक लाइन में बताना है, सिर्फ एक लाइन में। देखिए स्टूडेंट, अगर आप लोग तो मूवी देखने जाते हैं, ठीक है, तो मूवी देखकर आपने आए और मैंने पूछा कि ये ना मूवी मूवी में क्या है, क्या है मूवी, व्हाट मूवी इज ऑल अबाउट, बस इतना पूछा। आप एक लाइन में आपको बताना है उस मूवी के बारे में। वैसे ही मैं आपको बोल रही हूँ कि इस पैसेज के बारे में, आपको अगर सेटेलाइट है इसका मेन कीवर्ड, तो इसके बारे में क्या बात हो रही है पूरे पैसेज में, एक ही लाइन में बताओ, बताइए उदय। मैम, इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। क्या चीज की इंफॉर्मेशन, सैटेलाइट का क्या इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है? मैम अर्थ से रिलेटेड और वेदर से रिलेटेड। थोड़ा सा आप नजदीक हो, बहुत नजदीक नहीं हो। जुगल किशोर आप बताओगे? मीठा से नहीं है, ओके। अंजुल आप बताइए। मैम अभिषेक, हाँ, सैटेलाइट ओके। इम्पोर्टेंस अबाउट वेदर एंड सैटेलाइट का इम्पोर्टेंस, ठीक है। अभिषेक आप बताइए। अभिषेक कोई कोई हो सकता है ऐसी जगह पे भी हो जहां पे हम अनम्यूट नहीं कर सकते हैं। मेघा आप बताइए। मैम इसमें इसमें सैटेलाइट लॉन्चिंग और उसके एडवांटेजेस के बारे में बताया है। नहीं, लॉन्चिंग के बारे में नहीं बता रहा है। अगर मैं पूरा एसेंस मैं पूछ रही हूँ, आपको पता है एसेंस, उसका ना एडवांटेज बताया जा रहा है, ना लॉन्चिंग बताया जा रहा है, ना इम्पोर्टेंस बताया जा रहा है। देखिए लाइन, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज फॉर मेनी थिंग्स, इसका यूसेज बताया जा रहा है। क्या यूज है? एक एटमोसफेयर का थिकनेस और थिननेस पहचानने का। दूसरा यूज क्या है? शेप ऑफ अर्थ पहचानने का। सैटेलाइट का तीसरा यूज क्या है? वेदर के बारे में जानने का। तो साफ साफ लिखा है आई यूज फॉर मेनी थिंग्स, और मेनी थिंग्स में सिर्फ तीन ही चीजें बताया है इसमें राइटर। अब रही बात लॉन्चिंग की, तो मैं बताऊं, ये चार पैराग्राफ है टोटल, चार पैराग्राफ में तीन पैराग्राफ तो बता रहा है यूसेज का, एक दो तीन, और सिर्फ एक ही पैराग्राफ लॉन्चिंग के बारे में बता रहा है। तो ये है स्टूडेंट अननेसेसरी डिटेल, ये कोर एसेंस में आपका नहीं आएगा, ये पैराग्राफ टोटली अननेसेसरी है, अननेसेसरी, गॉट इट। तो कैसे पहचानना है, जैसे अभी हम पहले वाला पैसेज देखे 2013 का, तो उसमें हिंदी, मैं नहीं बोलूंगी टोटली अननेसेसरी डिटेल था, टोटली नहीं था, मार्जिनली कनेक्टेड था, थोड़ा सा माइन्यूटली कनेक्टेड था टू द कोर एसेंस। कोर एसेंस क्या था? रीजनल लिटरेचर के बारे में था, तो उससे थोड़ा सा कनेक्टेड था, कि रीजनल लिटरेचर का इम्पोर्टेंस गया नहीं हिंदी को प्रमोट करने के बावजूद भी। मगर ये लॉन्चिंग
ये तो पूरा अननेसेसरी डिटेल है। अगर मन कर रहा है तो इसको लास्ट में कहीं ऐड कर दो, मगर अगर आपके पास वर्ड्स नहीं बचे हैं तो फिर आप लोग इसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि दिस पैसेज इज ऑल अबाउट द यूसेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो अब कैसे आप लोगों को ट्रैप करते हैं क्वेश्चन सेटर्स? शुरुआत में आपको पूरा लॉन्चिंग के बारे में बताएंगे और फिर आते हैं कोर एसेंस पे। तो ये जो नेक्स्ट पैसेज, आई मीन सॉरी, नेक्स्ट पेज में जो 3 पैराग्राफ है, एक्चुअली में दिस इज द कोर एसेंस। और ये अन्य से अब स्टूडेंट्स को क्या लगता है, फंस जाते हैं जो ट्रैप में, उन लोग को लगता है अच्छा सैटेलाइट का लॉन्च, तो वो लोग शुरू भी इसी से करते हैं, ड्यूरिंग द लॉन्चिंग ऑफ द सैटेलाइट। ये गलत, गॉट माई पॉइंट? तो ये दो जो अभी हमने प्रैक्टिस सेशन किया है, इससे आप लोगों को बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि हमें कैसे पहचानना है कि कौन सा अननेसेसरी डिटेल है, कौन सा नेसेसरी डिटेल है, कौन सा मार्जिनली कनेक्टेड है, कौन सा स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है। कंसाइजनेस इज ऑल्सो एविडेंट इन योर प्रेस इफ इट डजेंट इंक्लूड अननेसेसरी डिटेल्स। देयर इज नो नीड टू इनकॉर्पोरेट ऑल द डिस्कस्ड इशू इन योर प्रेस। कितना इंपॉर्टेंट लाइन है कि पैसेज में जो भी चीज लिखी है, आपको ऐसा नहीं फील करना चाहिए मुझे सब कुछ इंक्लूड करना है, बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ वो ही चीज इंक्लूड करना है जो आपका ऐसा सेंटेंस इंक्लूड करना है जो कोर एसेंस से कनेक्टेड हो। ठीक है, तो साफ लिखा है लीव आउट ऑल द नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट कनेक्टेड और मार्जिनली कनेक्टेड टू द सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया मतलब एसेंस। मार्जिनली कनेक्टेड का मतलब क्या होता है, हल्का फुल्का कनेक्टेड है, तो आपको लगता है कि नहीं मुझे इसको इंक्लूड करना, तो एक लाइन में बोल के इंक्लूड कर दो। गॉट इट? उस पे बहुत सारे वर्ड्स आप मत वेस्ट करो। क्लैरिटी पे आते हैं। क्लैरिटी मींस मेकिंग योर कंटेंट इजी टू अंडरस्टैंड, यानी आप मतलब कि जितना, जब मैं आपको कहती हूँ फुल स्टॉप पुट करो, स्टूडेंट्स नहीं पुट करते हैं अभी भी नहीं। मैं बोलती हूँ कि है ना स्मॉल सेंटेंस फ्रेम करो, नहीं अभी भी लॉन्ग सेंटेंस फ्रेम करते हैं। मैंने अविनाश को इतनी बार बोला है अपनी राइटिंग पे, वो है नहीं क्लास में, वो देता है मुझे, उसको मैंने इतनी बार बोला है कि उसका जो लेटर्स का अपर जोन है ना, वो बहुत बहुत ट्रंकेटेड है, बहुत मतलब एकदम द्वार सा है, बौना सा है उसका अपर जोन। तो आगे चल के उसको बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि जब वो घसीटा मार लिखेगा ना, कुछ नहीं समझ में आने वाला है। और थ्रू आउट आप लोग यूनिफॉर्म राइटिंग तो मेंटेन नहीं करोगे आंसर स्क्रिप्ट में। तो मैं जो फीडबैक दे रही हूँ वो फीडबैक किसी किसी के तो सर के ऊपर से जा रहा है, कोई कोई इग्नोर कर रहा है, अरे चलता है ठीक है, मैं देख रही हूँ। अब यहाँ पे क्लैरिटी का मतलब क्या होता है कि आपका जो लाइन है, आपने जो सेंटेंसेस लिखे हैं, वो अच्छे से समझ में आए। कब समझ में आता है? एक तो बोलते हैं लैंग्वेज सही हो, एक कंटेंट, ठीक है, तभी क्लैरिटी आती है। अब क्लैरिटी इन लैंग्वेज क्या है? बाय यूजिंग सिंपल वर्ड्स एंड सिंपल सेंटेंस। ठीक है, लॉन्ग सेंटेंस मत यूज करो, देखो यहाँ पर भी बोल रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग सेंटेंस यूज करोगे तो आपको कंजंक्शन यूज करना पड़ेगा, कॉमा यूज करना पड़ेगा, उससे सेंटेंस का कोई मीनिंग ही नहीं समझ में आता है। स्पेलिंग मिस्टेक, पंचुएशन मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक मत करो। अब मैं बोल रही हूँ ग्रामेटिकल मिस्टेक मत करो, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक सब कोई करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो, मगर ऐसी मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक मत करो जिसे क्लैरिटी ही नहीं हो सेंटेंस की। कोई ऑर्नामेंटल और डेकोरेटिव वर्ड्स यूज मत करो, ठीक है, आप एग्जामिनर को इम्प्रेस मत करो। आप सही सही आंसर लिखो, सिंपल सेंटेंस में आंसर लिखो, एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाएगा। ठीक है, कंटेंट की क्लैरिटी क्या होती है? ईच पीस ऑफ कंटेंट इन द प्रेस मस्ट कन्वे द एसेंस ऑफ पैसेज। अगर आप चाहते हो क्लैरिटी इन कंटेंट रहे, तो जो एसेंस है पैसेज का वो उसी चीज को कन्वे करो अपने अपने प्रेस के जरिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोहरेंस। कोहरेंस का मतलब क्या होता है कि आप लोग अपने पैसेज में जो इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो स्कैटर्ड ना हो, बिखरा हुआ नहीं। जैसे मोतियां होती है, बिखरी हुई है, मगर जैसे ही आप उस मोतियों को पिरो के माला बनाते हो, वो एकदम दिखता है। हाँ, अब ये एक शेप आता है उस माले का, है ना, शेप आता है ना गोल। मगर मगर यदि आप अपने, मैं यही कह रही हूँ कि जब आप पैसेज पढ़ते हो तो उसमें डिफरेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक एक मोती के समान है एक एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मगर यदि उसको बिखरा के आप लिखोगे अपने प्रेस में, तो
एक कनेक्टिविटी नहीं दिखेगी, ठीक है? लॉजिकल क्या बोलते हैं, एक कनेक्टिविटी होती है, लॉजिकल कनेक्टिविटी होती है, वो भी नहीं दिखेगी, कुछ ऑर्डर नहीं दिखेगा, बिखरा हुआ है। मगर यही आप उस डिफरेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को इंटरकनेक्ट करके आप अगर एक पैस अपनी प्रेसी लिखते हो तो हम बोलते हैं वो कोहरेंट होता है, ठीक है? उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। कोहरेंस ऑल्सो मीन्स लॉजिकली कनेक्टिंग द वेरियस आइडियाज ऑफ द कंटेंट विथ वन अनदर, यानी हर एक पीस ऑफ कंटेंट को एक दूसरे से कनेक्ट करो और उसको लिंकिंग वर्ड से जोड़ो, एज एंड बिकॉज देयरफॉर इन एडिशन कॉन्सिक्वेंटली, ये सब। और ये लिंकिंग वर्ड्स आपको इस स्टेटमेंट राइटिंग सेक्शन की बुक में मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, लिंकिंग वर्ड से क्या होता है, स्मूथ ट्रांजिशन होता है फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर, इससे आपका प्रेसी कोहरेंट और वेल कनेक्टेड रहता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक स्टूडेंट था इस बैच में नहीं, मतलब सॉरी इस बैच में तो खैर है ही नहीं, मगर वो था है ना लास्ट टू लास्ट ईयर के बैच में था, मुझे देखना पड़ेगा कहाँ पर है। तो उसने आपको अभी आपने जो पैसेज पढ़ा है, ओपन कर रहे हैं, किसी ने अनम्यूट किया हुआ है तो म्यूट कर लें, ठीक है? अब मैं शेयर करती हूँ। अच्छा एग्जाम्पल है, अब देखिए ये वाला गांधी का है, ये पैसेज मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कौन से, 2020 का है शायद, ठीक है? अब देखिए मैं इसको पढ़ रही हूँ। अकॉर्डिंग टू गांधी रिलीजन इज अ वे ऑफ, रिलीजन में आर कैपिटल, क्या क्यों लिखे हो, आर कैपिटल इज अ वे ऑफ लाइफ एंड पर्सनल कंसर्न ऑफ द इंडिविजुअल। मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है? एक लाइन पे कनेक्टिविटी दूसरे लाइन पे, तो उसने यहाँ पर देयरफॉर लगाया और फिर ऊपर वाले लाइन को नीचे वाली लाइन से कनेक्ट किया कि रिलीजन इज अ वे ऑफ लाइफ एंड पर्सनल कंसर्न ऑफ इंडिविजुअल, देयरफॉर पर्सन मस्ट हैव टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स चॉइस ऑफ डिफरेंट रिलीजन, ठीक है? फिर इसने लिखा गांधी जी ऑल्सो रिस्पेक्ट अदर रिलीजन एंड टॉलरेटेड होगा ड्यूरिंग हिज लाइफ। यहाँ तक भी ठीक है, ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, मगर टॉलरेट इज एक्चुअली इनकरेक्ट है, ठीक है? गांधी जी ने कभी टॉलरेट नहीं किया। टॉलरेट करने का मतलब पता क्या होता है, मैं तुम्हें पसंद नहीं कर रहा हूँ फिर भी मैं तुम्हें टॉलरेट कह रहा हूँ, ये टॉलरेट। आप अपने अगर टॉलरेट वर्ड यूज कर दे, इसका साफ मतलब है कि आप सामने वाले को नहीं पसंद कर रहे हो। गांधी जी डिडंट टॉलरेट, गांधी जी एक्सेप्टेड, ओके? एनीवे अब यहाँ पर इस पूरे ये पूरा जो टिल 40, ये क्या बताना चाह रहा है कि गांधी जी रिलीजन के बारे में क्या समझते थे, ये बताना चाह रहा है कि रिलीजन एक वे ऑफ लाइफ है, ठीक है? अच्छा मगर अचानक अब देखो डिसकनेक्टेड, गांधी जी वॉज बॉर्न इन द हिंदू फैमिली, ही ग्रू बिटवीन द एलिमेंट्स एंड द टेनेंट्स ऑफ हिंदुइज्म, बट आफ्टर अभी अभी आप गांधी जी का ओपिनियन बता रहे थे और अचानक आप किसके बारे में बताने लग गए, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में बताने लग गए, तो हो गया ना डिस्कनेक्टेड, पूरा ये डिस्कनेक्टेड है, ठीक है? अब देखो क्या किया इसने, फिर यहाँ पर बट आफ्टर ही केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नंबर ऑफ सेइंग्स एंड रिलीजियस टीचर्स, ही बिलीव दैट डिफरेंट इंटेलिजेंस आर डिफरेंट वे ऑफ लाइफ। अब वो वापस से रिविजन पे आ गया, फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस ही स्टडीड गीता रामायण बाइबल। डिस्कनेक्टेड, आप कैसे गांधी पूरे, अगर आप पूरा पैसेज पढ़ोगे ना, ये वाला 2020 का है या 21 का है, पूरा पैसेज पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये पूरा पैसेज है गांधी जी ओपिनियन ऑन रिलीजन, यही है। तो बीच में गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ, ये अगर आपको इसको लिखना भी है तो कनेक्ट करके लिखो और बीच में कहीं पे मत लिखो, ओके? गॉट इट? आपको गांधी जी का व्यू देना है रिलीजन के बारे में तो आप वो ही दो, आप बीच में ये सब डिसकनेक्टेड चीज मत लिखो। एक ये है, अब उसके बाद मैं आपको एक और दिखा रही हूँ, दिख रहा है एक और पैसेज, यस और नो?
यस मैम। ठीक है, ये है जो अभी आपने पैसेज पढ़ा है ना सैटेलाइट का 2017 का, ये वो वाला पैसेज है। अब देखिए पूरा पैसेज का एसेंस क्या है, सैटेलाइट का यूसेज, राइट। अब इसने पैसेज का जो एसेंस है उसी से शुरू करना चाहिए था, मगर इस स्टूडेंट को क्या लगा, इस स्टूडेंट को ये लगा कि है ना सिंस जो ओरिजिनल पैसेज है वो शुरू हो रहा है लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट से, तो मुझे भी लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट से शुरू करना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है स्टूडेंट कि ओरिजिनल पैसेज अगर लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट से शुरू हुआ तो आपको अपनी प्रेसी भी लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट से शुरू करनी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप लोगों को कोर एसेंस से शुरू करना है। कोर एसेंस क्या है, सैटेलाइट का डिफरेंट यूजेस है। सैटेलाइट हैज द आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैज डिफरेंट और थ्री यूसेज, द फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यही बस करता है। मगर इसने क्या किया, लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट रिक्वायर्स मेनी थिंग्स, राइट डायरेक्शन विथ राइट स्पीड रेट, जो कि एसेंस है ही नहीं पैसेज का, और इसने शुरू इसी से कर दिया। अब जैसे एग्जामिनर देखेगा या प्रेसी पढ़ेगा उसको समझ में आ जाएगा इसको पूरा पैसेज ही नहीं समझ में आया है, या उसको प्रेसी नहीं लिखना आता है, उसे शुरू गलत तरीके से किया। अब देखो इसने बताया कैसे कैसे लॉन्च करते हैं, मेक श्योर दैट सैटेलाइट इज गोइंग करेक्टली, और फिर अचानक इसने, फिर कोई कनेक्टिविटी नहीं, अचानक आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज यूज फॉर वेरियस पर्पसेस, नो कनेक्टिविटी विद द प्रीवियस सैटेलाइट, कोई कनेक्टिविटी नहीं, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो कोर एसेंस है स्टूडेंट्स, कोर एसेंस से ही आपको अपना पैसेज शुरू करना है, और नीचे इस तरह से टोटल वर्ड्स लिख दोगे तो अच्छा रहेगा, कितने वर्ड्स में आपका खत्म हुआ है, गॉट इट। अब हम लोग वापस इसमें आते हैं, तो स्टूडेंट्स जो कोर एसेंस ऑफ पैसेज का जो निचोड़ है वैसे आपको उसी से शुरू करनी है, और बीच में जो एसेंशियल नॉन एसेंशियल डिटेल्स है उसको हटा देना है। अच्छा अब एक आता है कि इन ओन वर्ड्स, तो कोई कहते हैं कि मैम प्रेसी अपने वर्ड्स में लिखने चाहिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन के आंसर्स भी अपने वर्ड्स में लिखने चाहिए, ऐसे ऐसे बोला जाता है। देखिए अपने वर्ड्स में लिखो तो बहुत अच्छा है, ठीक है, मगर क्या होता है ये रिस्की होता है अपने वर्ड्स में लिखना। क्यों रिस्की होता है, तो क्योंकि ना आपको पहले ही बोला था कि एक सीमा रेखा दी गई है, उस सीमा रेखा के अंदर ही रहकर आपको प्रेसी को सॉल्व करना है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन के आंसर लिखना है, तो उस अगर अपने वर्ड्स में लिखते हैं ना तो एक रिस्क फैक्टर आ जाता है कि आप, हो सकता है कि आप जो राइटर है उसका ओपिनियन चेंज कर दो, हो सकता है आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डाल दो जो कि पैसेज में मेंशन नहीं है। इसीलिए मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि आप जो सेंटेंसेस है ना पैसेज से लिफ्ट कर सकते हो। अगर आप मेरे आप अगर आप बुक में भी देखोगे पैसेजेस जो है, मैंने ओशन पैसेज का जो सेंटेंसेस है उसी को लिफ्ट किया अपने पैसेज में, मगर मैंने क्या किया है हल्का सिंप्लीफाई कर दिया है, अननेसेसरी वर्ड्स को हटा दिया है, ऑर्नामेंटल वर्ड्स को हटा दिया है, तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है। और ये जो ओन वर्ड्स है, कोई कोई बोलता है कि मैम इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है कि ओन वर्ड्स में लिखना है, ठीक है, तो हम इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कहाँ पर दिया हुआ है। चलिए एक इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, पैसे का भी 2000 का ही देख लेते हैं, ठीक है, शेयर कर रही हूँ मैं, 2022 का है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन पढ़िए। Attempt a precis of the given passage in one third of its length. Do not suggest a title. देखिए इंस्ट्रक्शन मैं बार बार बोलती हूँ, इंस्ट्रक्शन पढ़ो, प्रेसी के इंस्ट्रक्शन लिखा है डू नॉट सजेस्ट अ टाइटल, मगर विडम्बना देखो, आयरनी क्या है, जो प्रेसी शीट आती है ना, अगर मैंने प्रेसी शीट आप लोगों को दी हुई है, ठीक है, उस प्रेसी शीट में टाइटल लिखने का जगह दिया हुआ है, और फिर साथ में ये भी बोल रहे हैं सजेस्ट अ टाइटल, डू नॉट सजेस्ट अ टाइटल, यानी टाइटल सजेस्ट मत करो, मगर हमने आपको एक बॉक्स दिया है टाइटल सजेस्ट करने के लिए। क्यों पता ऐसे करते हैं यूपीएससी वाले, क्वेश्चन सेटर्स देखते हैं कि कैंडिडेट कितने अलर्ट हैं। मैं इंस्ट्रक्शन में दे रहा हूँ डू नॉट सजेस्ट अ टाइटल, मगर मैं प्रेसी शीट में टाइटल सजेस्ट करने का बॉक्स भी दे रहा हूँ। अगर कैंडिडेट अलर्ट है, केयरफुल है, सीरियस है, ओबीडियंट है, तो ये लोग टाइटल नहीं सजेस्ट करेंगे, टाइटल बॉक्स देख कर, गॉट इट।
अच्छा अब देखिए क्या लिखा है, राइट एज फार पॉसिबल का मतलब जितना हो सके अपने वर्ड्स में लिखो, यानी यूपीएससी के क्वेश्चन सेटर्स ने आपको बोला, मैंडेटरी नहीं बनाया है कि अपने वर्ड्स में लिखना, ये मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि अपने वर्ड्स में लिखना। देखो कितने अच्छे से लिखा है, एज फार एज पॉसिबल जितना हो सकता है, अगर नहीं हो सकता तो मत लिखो, पैसे से लाइन लेफ्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इसको सिंप्लीफाई भी करो। ओके चलिए ये हो गया। आज एसएससी की क्लास थोड़ी लंबी होती है स्टूडेंट। अब ड्राफ्ट, एक चीज हमेशा ध्यान रखना आपको कि जब भी आप प्रेसी शीट आपको मिलती है, सबके पास प्रेसी शीट होगी ठीक है, तो प्रेसी शीट कैसी होती है उस पर हम डिटेल में कल वाली क्लास में हम बात करेंगे। तो जब भी आपको प्रेसी शीट मिलती है स्टूडेंट्स, तो आप पैसेज को पढ़ के डायरेक्ट प्रेसी शीट में कभी भी नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि बॉक्स बना होता है, उस बॉक्स में लिखना होता है। अगर आप डायरेक्ट बॉक्स में लिखना शुरू कर दे, आपका मिस्टेक होगा और वहीं पे सारा सारा ना मैसी हो जाएगा। तो बेटर ये है सबसे पहले आप ड्राफ्ट बनाओगे। कहाँ पे ड्राफ्ट बनाओगे? आपको जो क्वेश्चन का आंसर बुकलेट मिलता है, जो मैंने क्लास ले लिया क्वेश्चन का आंसर बुकलेट की, उसके जो लास्ट 3 4 पेजेस होते हैं उसमें रफ वर्क लिखा रहता है, वहां पे आपको रफ प्रेसी लिखनी है। रफ प्रेसी लिख कर आपको समझ में आ जाएगा ये वर्ड एक्सीड कर रहा है या वर्ड कम है, शॉर्ट ऑफ द वर्ड लिमिट, तो आप उसको उसी हिसाब से ठीक करके फिर आप प्रेसी शीट में लिखोगे। ध्यान रखना एग्जामिनर जरूर देखता है कि आपने ड्राफ्ट तैयार किया है कि नहीं प्रेसी का। अगर आपने ड्राफ्ट नहीं तैयार करके सीधे प्रेसी शीट में लिखोगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि ये स्टूडेंट को आता ही नहीं है प्रेसी लिखना, चाहे वो कितना भी एक्सपीरियंस हो। मैंने पता नहीं कितनों प्रेसी लिखी है, बहुत बहुत प्रेसी लिखी है अपने टाइम में और अभी भी लिख ही रही है प्रेसी। मैं खुद पहले ड्राफ्ट तैयार करती हूँ, डायरेक्ट में से प्रेसी नहीं लिखी जाती है, मैं खुद ड्राफ्ट तैयार करती हूँ, फिर उसको मैं सुधारती हूँ, उसको वर्ड्स में जो होता है ना वर्ड लिमिट में लाने की कोशिश करती हूँ, कहीं अननेसेसरी डिटेल गलती से आ गए उसको ठीक कर देती हूँ, उसको हटा देती हूँ, तो एडिटिंग होती है। मगर अगर आपने ड्राफ्ट नहीं तैयार किया तो एग्जामिनर को लगेगा आप बहुत ओवर स्मार्ट हो, आपको लगता है कि आप में बहुत कॉन्फिडेंस है, आपने डायरेक्ट प्रेसी शीट में लिख डाली ठीक है। इफ यू डू नॉट डू सो, अगर आप ड्राफ्ट नहीं बनाते हो तो यू मे लूज मार्क्स। द प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट, अगर आप ड्राफ्ट प्रिपेयर करते हो, रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटीज ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स इन द फाइनल प्रेसी राइटिंग। काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स यूज इन द ड्राफ्ट एंड रिड्यूस और इंक्रीज द वर्ड्स अकॉर्डिंगली वाइल राइटिंग इन द प्रेसी शीट। स्ट्राइक आउट, और हाँ वो ड्राफ्ट को आपको क्रॉस करना है, मैंने पहले ही बताया आपको क्लास में, कोई चीज आपने गलत लिख दिया है क्रॉस करो, कोई एम्प्टी एम्प्टी नहीं ब्लैंक पेज है उसको क्रॉस करो ठीक है, कोई पार्ट ऑफ द पेज है जो ब्लैंक है उसको क्रॉस करो ठीक है। वर्ड लिमिट, तो वर्ड लिमिट क्या है 1/3 जो हमने बात कर लिया, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 10 वर्ड ऊपर 10 वर्ड नीचे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम मैनेजमेंट, प्रेसी ध्यान रखना स्टूडेंट्स ये लीस्ट स्कोरिंग होता है, अगर आप पूरा 6 सेक्शन देख लो तो सबसे कम जो मार्क्स वेटेज है वो प्रेसी को मिल रहा है, तो वो लीस्ट स्कोरिंग है। मार्क्स वेटेज सबसे कम 15, ग्रामर का 25, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 20, रिपोर्ट 20, आर्गुमेंट 60 नहीं 40, 20 20 40, आर एसे 80 और ये 15 सबसे कम मार्क्स वेटेज, ये सबसे कम, और ये स्कोरिंग भी नहीं होता है प्रेस की, और सबसे ज्यादा वक्त भी इसी को लगता है। पहले तो पैसेज पढ़ो, क्यों वक्त लगता है, पहले पैसेज पढ़ो फिर उसके बाद रफ प्रेस ही तैयार करो, रफ पैसे तैयार करने के बाद फिर उसको पढ़ो वापस से, ताकि कुछ गड़बड़ है तो थोड़ा कम करूँ वर्ड, थोड़ा ज्यादा करूँ, फिर उसे पैसे शीट में लिखो, तो सोचो 3 स्टेप्स, तो टाइम तो कंज्यूमिंग है ही ठीक है। इसीलिए मैं सजेस्ट करती हूँ पैसे को हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए, सारे क्वेश्चन का आंसर कर दो, उसके बाद जब आपके पास टाइम बचता है तब पैसे लिखोगे ठीक है। 15 मिनट बच रहा है, आधा घंटा बच रहा है, 40 मिनट बच रहा है, आराम से पूरा सिंगल माइंड होके पूरा फोकस के साथ प्रेसी लिखो, क्योंकि प्रेसी बहुत मेहनत भी मांगता है ठीक है, और फिर मार्क्स भी मिलते नहीं है, तो क्यों ना हम उसको लास्ट में लिखे। ओके तो हो सकता है अच्छा स्कोर कर लो। अब ये वाला जो है, अब हम ये वाला कल पढ़ेंगे, आज काफी टाइम हो गया है,
3 बजे क्लास शुरू हुई थी, 4:30। इसको हम थोड़ा सा कर सकते हैं वैसे, फिर मैं ना कल प्रेसिंग शीट में आ जाऊँगी, ये और ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है, चलिए इसको हम कर लेते हैं, थोड़ा सा ये है। स्टैंडर्ड गाइडलाइंस ऑफ प्रेसी राइटिंग। अब प्रेसी लिखते वक्त आपको क्या क्या आपको ध्यान में रखना है वो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज है, प्रेसी का इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन सेटर्स प्रेसी के इंस्ट्रक्शन बहुत चेंज करते हैं, ये चीज ध्यान रखना। तो अब देखिए, ये जो इंस्ट्रक्शन दिया, दोनों इंस्ट्रक्शन को आप पढ़िए। अटेम्प्ट अ प्रेसी ऑफ द गिवन पैसेज इन 1/3 ऑफ इट्स लेंथ, डू नॉट सजेस्ट अ टाइटल। हो सकता है कभी इंस्ट्रक्शन में लिख दे कि सजेस्ट अ टाइटल, तो क्या करोगे? और जैसे एग्जामिनर देखा, अच्छा आपने टाइटल सजेस्ट नहीं किया, गए काम से, उसको समझ में आ जाएगा कि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, आप केयरलेस हो, आप अलर्ट नहीं रहते हो, आपको मार्क्स ऐसे भी नहीं देगा वो, मैं आपको बता रही हूँ। आपका पूरा ना आंसर स्क्रिप्ट में, मतलब उसको एक इम्प्रेशन पड़ जाएगा, अच्छा इसने तो टाइटल ही नहीं सजेस्ट किया जबकि बोला था टाइटल सजेस्ट करने, अच्छा इसने टाइटल सजेस्ट कर दिया जबकि बोला था टाइटल नहीं सजेस्ट करना। ये सब चीज बहुत मैटर करती है। राइट एज फार एज पॉसिबल इन योर ओन वर्ड द प्रेसी मस्ट बी रिटन ओनली इन द प्रेसी फॉर्मेट गिवन बिलो। अब ये वाला देखिए क्या लिखा है इसमें, एक इंस्ट्रक्शन चेंज किया है, स्टेट द नंबर ऑफ वर्ड्स एट द एंड ऑफ द आंसर। ये अलग इंस्ट्रक्शन है, गॉट माई पॉइंट? तो प्रेसी के इंस्ट्रक्शन चेंज होते हैं स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है। एक तो जनरल इंस्ट्रक्शन, क्वेश्चन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको समझना है, उसको फॉलो करना है। अब मैंने बोला है कि एंटायर स्क्रिप्ट में आप आंसर स्क्रिप्ट में आई एन यू नहीं लिखोगे, जबकि मैंने बोला है ये क्लास में, फिर भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कई स्टूडेंट्स ने यू लिखा है। किसको याद है, किसने लिखा है यू, मुझे बताइए। मुझे तो याद है किसने लिखा है। मैंने लिखा ओके, मैम, आपने मैंने लिखा भी है, ओके, और बताओ। लेकिन मैम पैसेज में यू होगा तो मैं फिर से बोल रही, अगर यू है मगर वो यू एग्जामिनर को तो डिनोट नहीं कर रहा ना, ये बता दो वो यू था पैसेज में, मानती हूँ, मगर क्या ये यू इंडिकेट कर रहा है एग्जामिनर को? मगर जब आंसर हम पढ़ रहे हैं तो यू का मतलब फिर एग्जामिनर हो गया। आप लिख रहे हो, आप तो एग्जामिनर को इंडिकेट कर रहे हो, एड्रेस कर रहे हो, तो गलत हो गया ना। यू की जगह वी यस लिखो, मैम। वी नहीं लिख सकते हो तो आप वन लिखो, वन शुड नॉट डू दिस, ऐसे करके। ओके, ये चीज ध्यान यस रखना मैम। फ्रेंड्स, अगर आपका ओपिनियन पूछा तब आई लिखो, अदरवाइज मत लिखना, वी लिख सकते हो। अच्छा, डू नॉट राइट एनी सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। जब आप प्रेसी लिखते हो, इनफैक्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी डायरेक्ट स्पीच में आंसर्स नहीं लिखने चाहिए। मैंने देखा है एक स्टूडेंट को लिखते वक्त ऐसे डबल कोट देकर डायरेक्ट स्पीच में आंसर लिखा है, गलत है। डायरेक्ट स्पीच में आपको आंसर नहीं देना है। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, डबल कोट्स में बिल्कुल नहीं दोगे, ठीक है? आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में करो और नॉर्मल तरीके से आंसर करो। मिस्टर एंड मिसेस नहीं लिखोगे प्रेसी में, अगर आपका ओरिजिनल पैसेज में मिस्टर एंड मिसेस लिखा है तो उड़ा दो उसको, जबरदस्ती बॉक्स एक कंज्यूम होगा ना अननेसेसरी। टेंस ऑफ द पैसेज, जब आप प्रेसी लिख रहे हो तो आप, मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी बोला है, क्वेश्चन में जो टेंस है ना, क्वेश्चन का जो अगर पास्ट है तो आप आंसर भी पास्ट में लिखो, क्वेश्चन अगर प्रेजेंट में तो आंसर भी प्रेजेंट में लिखो, वैसे ही प्रेसी में जो पैसेज का टेंस है आप उसको मेंटेन करोगे थ्रू आउट। अब इसीलिए ग्रामर बहुत जरूरी है, मगर स्टूडेंट्स फोन में बोलते हैं मैम ठीक है ग्रामर कितना आ जाता है, 10-12, और जब वो लोग राइटिंग सेक्शन बैच में आते हैं तो पता चलता है कि ग्रामर में क्वेश्चन का टेंस जो है ना वो ही नहीं समझ में आ रहा उन लोगों को, मतलब इतने बड़े भ्रम में जी रहे हैं स्टूडेंट। प्रिपरेशन कर रहे हैं मगर प्रिपरेशन में कौन से पेपर में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं ये तक नहीं पता है, कौन से सेक्शन में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं ये तक नहीं पता है, प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्टूडेंट प्लीज बी अवेयर अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोटेशन चेंज नहीं, आई एम सॉरी, कोई कोटेशन यूज नहीं करना पैसे में, कोई ऑर्नामेंटल सेंटेंसेस यूज नहीं करना। अब आप बोलोगे मैम कोटेशन है अगर पैसेज में, तो आप देखो भाई कि ये कोटेशन क्या कनेक्टेड है कोर एसेंस से, और अगर कनेक्टेड भी है तो क्या जरूरी है इसको मेंशन करना? बिना कोटेशन के काम चल सकता है तो फिर काम चलाओ। ऑर्नामेंटल सेंटेंस, अब कोटेशन की बात आ रही है या ऑर्नामेंटल सेंटेंस की बात आ रही है, तो फिर मैं एक और चीज शेयर करूंगी। एक सेकेंड, ये 2017 का प्रेसी है, ये
2016 का, ठीक है। ऑर्नामेंटल सेंटेंस होता क्या है वो मैं दिखा देती हूँ आपको। ये है, इसे बहुत ऑर्नामेंटल सेंटेंस होते हैं, बहुत सारे, ठीक है। इसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ बस। ये तो रेपिटेशन बहुत ज्यादा है इसमें। अब देखो क्या लिखा है। फूल्स हैव बीन इमोर्टलाइज्ड बाय द लिटरेचर अक्रॉस द वर्ल्ड, ये लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट्स को लगता है इमोर्टलाइज का मतलब क्या होता है? सी भाई, मॉर्टल, मॉर्चुअरी पता है ना क्या होता है? मॉर्चुअरी किसको पता है, मॉर्चुअरी क्या होता है? जाओ रखते हैं हाँ, डेड बॉडी जहां पर रखते हैं मॉर्चुअरी, ठीक है। तो मॉर्चुअरी में डेड बॉडी रखा जाता है। आसाम में भी जो हादसा हुआ पता ही है आप लोगों को, बहुत टाइम तक वो डेड बॉडी मॉर्चुअरी में रखी गई थी। तो मॉर्चुअरी से ही आया है MOR, मॉर्टलाइज। मॉर्टल का मतलब होता है डेथ, मैन इज मॉर्टल, तो यानी क्या बोलते हैं, मॉर्टल का मतलब जिसका नाश हो सकता है, और इमॉर्टल का मतलब जिसका नाश नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब लिखा है फूल्स हैव बीन इमॉर्टलाइज्ड बाय लिटरेचर। इमॉर्टलाइज्ड मतलब कि फूल्स को जिंदा रखा है लिटरेचर में, जैसे शेख चिल्ली है, डॉन क्विक्सोट, इन लोगों को जिंदा रखा गया है। तो क्या ये इम्पोर्टेंट है? और यहाँ पे ये ऑर्नामेंटल सेंटेंस है, इसको नहीं रखना है। और भी इसमें ऑर्नामेंटल सेंटेंस है, दिख जाए बस। अब देखिए, सेल्फ प्रोक्लेम समारिटन, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी ऑर्नामेंटल सेंटेंस है। अब देखिए, वी ऑल नो हाउ पीपल लाइक हिटलर ब्रॉट द वर्ल्ड टू द ब्रिंक ऑफ डिस्ट्रक्शन। ब्रिंक ऑफ डिस्ट्रक्शन लिखने की क्या जरूरत है? पीपल लाइक हिटलर ब्रॉट द वर्ल्ड टू द ब्रिंक ऑफ डिस्ट्रक्शन। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा उतना तो समझ में आ रहा होगा ना, हिटलर वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन, सबको पता है हिटलर कौन है, ठीक है। वो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय किया, तो हिटलर ट्राई टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, खत्म। ये ब्रिंक ऑफ डिस्ट्रक्शन लिखने की क्या जरूरत है? अब देखिए, इट इज नो यूज क्राइंग ओवर द स्पिल्ट मिल्क, इट इज नो यूज क्राइंग ओवर द स्पिल्ट मिल्क, ये लिखने की क्या जरूरत है? ये इडियम है, लोकोक्ति है, इसको लिखने की क्या जरूरत है? तो आपको पता होना चाहिए कि क्या ऑर्नामेंटल सेंटेंस है और मुझे किसको इंक्लूड नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डू नॉट इंसर्ट अ क्वेश्चन, क्वेश्चन कभी इंक्लूड नहीं करोगे। इनफैक्ट एंटायर आंसर फिर में आपको क्वेश्चन नहीं इंक्लूड करना चाहिए कहीं पर भी, ना इससे में रिपोर्ट में आगे में। पहले तो क्वेश्चन लिखोगे उसमें वर्ड कंज्यूम होगा, फिर उसके आंसर लिखोगे उसमें भी वर्ड कंज्यूम होगा। ओके अच्छा, डू नॉट सजेस्ट अ टाइटल अनलेस आज इन द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन में अगर बोलता है टाइटल सजेस्ट करो तभी करना, और टाइटल जो सजेस्ट करोगे शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 5 वर्ड्स के होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। और कहाँ पे टाइटल सजेस्ट करना है वो मैं आप लोगों को बता दूंगी जब हम प्रेसिस शीट मैं जब ओपन करूंगी नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल की क्लास में। मेक इट अ हैबिट ऑफ यूजिंग फुल नेम ऑफ एनीबडी, शुरुआत जब भी करो तो आप फुल नेम से करो। अगर किसी का नाम है, जैसे डॉन क्विक्सोट है, जैसे शेख चिल्ली है, तो शेख चिल्ली पूरा लिखो, फिर बाद में आप चिल्ली चिल्ली लिख सकते हो अगर पैसेज में है तो, वरना मत लिखना। ओके इससे ना वर्ड्स कंज्यूम नहीं होंगे। एट द एंड ऑफ योर प्रेसी राइट द नंबर ऑफ वर्ड्स कंज्यूम्ड इन अ प्रेसी, पुट टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन ब्रैकेट। डू नॉट इंक्लूड दोस पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इन योर प्रेसी दैट आर नॉट मेंशन इन द पैसेज। बार बार कहती हूँ आपको पैसेज दिया है तो सीमा रेखा दिया गया है, उस सीमा रेखा के अंदर रह कर ही आपको प्रेसी लिखना है। अपना ओपिनियन सजेशन नहीं देना है, और राइटर्स के ओपिनियन के अगेंस्ट, यानी राइटर का जो ओपिनियन उसके अगेंस्ट बातें नहीं करनी है। आपको ऐसे भी पैसेज मिल सकते हैं, सपोज
आप गांधी जी के बारे में बहुत अच्छा ओपिनियन रख रहे हो, मगर आपको ऐसा पैसेज मिल जाए जो गांधी जी के ओपिनियन, गांधी जी के अगेंस्ट बात कर रहा है, तो अपने ओपिनियन को साइड में रखो, जो राइटर बोल रहा है आप उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करो। ओके अच्छा, अब स्टैंडर्ड गाइडलाइंस और राइटिंग प्रैक्टिस प्रैक्टिस वो हम कल करेंगे, ठीक है? ओके कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, फिर मैं क्लास एंड करती हूँ। कोई क्वेश्चन स्टूडेंट्स? ओके देन, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू मैम, थैंक यू।